आज के वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे एट टाइप्स के होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नॉन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये आठों होते हैं। तो आठों के बारे में अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से ट्रांसलेशन बनता है, कैसे यूज होता है। अक्सर क्योंकि ग्रामर में अक्सर पूछा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन इंटरजेक्शन, नॉन प्रोनाउन, तो इसके बारे में जानेंगे, तो अच्छी तरह जानेंगे। इससे पहले में वीडियो ली जा रहे का यूज कहाँ होता है, वाच वेयर का यूज कहाँ होता है, उसके बारे में वीडियो बनाया हूँ पार्ट बाय पार्ट करके। ए एन डा का यूज कैसे होता है अच्छी तरह से मैं समझाया हूँ उस वीडियो में। आप विश्वास नहीं होगा तो आप जाके देख सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। तो अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले आठ टाइप्स का होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे नॉन के बारे में। नॉन जो होता है, नॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। व्याकरण व्याकरण में संज्ञा पढ़ते हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नॉन पढ़ते हैं। नॉन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा। तो ये बहुत सिंपल तरीके में मैं समझाऊंगा, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, क्योंकि आठों टाइप्स को एक छोटे से वीडियो बनाना है 15 से 20 मिनट के अंदर, बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से शॉर्ट में और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो नाउन क्या होता है, संज्ञा को बोलते हैं। नाउन जो होता है, पर्सन प्लेस थिंग को बोलते हैं, पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस और थिंग को बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में बोलते हैं नॉन इज द नेम ऑफ एनी थिंग, पर्सन प्लेस थिंग और नेम ऑफ द एनी थिंग को भी ऐसे ले सकते हैं, और नेम ऑफ द एनी थिंग, नेम ऑफ द एनी थिंग। नॉन जो होता है पर्सन प्लेस थिंग और एनी थिंग को बोलते हैं, किसी भी वस्तु को, कोई भी नाम हो उसको बोलते हैं नॉन। नॉन जो है किसी को भी बोलेंगे, जैसे कोई नाम, जैसे कोई पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, कोई भी पर्सन है, जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे राम, राम क्या है, पर्सन है, राम के बारे में बोल रहे हैं, क्या है ये नाउन है कि नहीं, राम। उसके बाद और सारा भी होगा, राम होगा, सीता होगी, ये तो बहुत पुराना हो गया, नया नाम लेते हैं सोहन, इस तरह से हो गया, ये भी पुराना नाम है। तो पर्सन कोई भी पर्सन हो गया, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इस तरह से जरा पर्सन हो गया। अब प्लेस, प्लेस में कुछ भी आ सकता है, कोई भी प्लेस, प्लेस में कुछ भी आ सकता है, जैसे ताजमहल, प्लेस आ सकता है। थीम का बात करें तो थीम में क्या आ जाएगा, कोई भी वस्तु, चेयर हो गया, ये भी तो नाम है, चेयर जो मार्कर से लिख रहे हैं, ये भी तो है नाम, कोई भी थीम हो गया। और नेम ऑफ द एनीथिंग, कुछ भी नाम, जैसे टेबल, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, शार्पनर वगैरह सब कुछ हो गया, इरेजर इंग्लिश में बोलते हैं, इरेजर, शार्पनर, पेन हो गया, ये सब हो गया नॉन हो गया, ये सबको क्या बोलते हैं नॉन। एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल ट्रांसलेशन में कैसे बनता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ये भी नॉन, ये भी नॉन, नॉन हो गया सब, राम इज ए गुड बॉय। या कोई प्लेस के बारे में लिखा गया था, ताजमहल, ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ताजमहल, ब्यूटीफुल, डी आई यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल। इस तरह से नाउन के बारे में हो गया। तो ये पहला टाइप था, नाउन के बारे में नहीं जानना था कि नाउन होता क्या है,
पर्सन सबको पता है लेकिन भूल जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना। डायरेक्ट याद रखना पर्सन प्लेस थिंग और नेम ऑफ डायरेक्ट, बस उसी से क्लियर हो जाता है नाउन किसे बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देखेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। नाउन तो हो गया, पर नाउन किसको बोलते हैं, सर्वनाम। यहाँ देखिए नाउन इसमें भी तो है प्रोनाउन, यानी नाउन को ही हटा के रिप्लेस करने वाला है। ये जो प्रोनाउन जो है ना, नाउन को हटा के ही रिप्लेस करता है, उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन में जो जो लेटर होता है ये सारे लेटर को बोलते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, जितने भी वर्ड आते हैं कुछ कुछ छूट भी जाएगा, टाइप का मिल रहा है नहीं लिख पाऊंगा, और सारा कुछ बहुत सारे रहते हैं। ये सी एक हो गया, ये सब जो है प्रोनाउन है। कैसे यूज होता है, तो प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, ये तो एग्जांपल हो गया ना, ये तो आपका एग्जांपल हो गया, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन विद दिस, ये क्या करता है, रिप्लेस करता है नाउन को। अगर कोई डेफिनेशन बोलेगा तो इट रिप्लेसेस द नाउन, इट रिप्लेसेस द नाउन। अगर नाम को रिप्लेस करने वाला अगर कोई मिल जाए तो उसको नाम पर रखा जाएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है, इट रिप्लेसेस द नाउन, डेफिनेशन हो गया इसका। डिफाइन करना है तो इसका डेफिनेशन हो गया रिप्लेसेस द नाउन, और प्रोनाउन होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी। इसका देखिए एग्जाम्पल कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे नाउन वाला जो था राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, लेकिन ये नाउन को रिप्लेस करेगा तभी तो प्रोनाउन को लगेगा, तो राम की जगह क्या लग जाएगा, ही इज अ गुड बॉय, रिप्लेस कर दिया ना नाउन को। नाउन को रिप्लेस करना ही इसका काम होता है, ही इज ए गुड बॉय, जहां भी नाउन होगा उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे यहां पे लिखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज इंटेलिजेंट, राम एंड श्याम इज इंटेलिजेंट, आर इंटेलिजेंट, वर्क इज दो है ना, यहाँ पे दो लोग हैं तो आर लगता है, इस सिंगल में लगता है, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ बोल रहा है राम एंड श्याम दोनों इंटेलिजेंट है, तो ये राम एंड श्याम पूरे को रिप्लेस करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दे आर इंटेलिजेंट, तो राम एंड श्याम को रिप्लेस करेगा, दे लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, तुम लोग इंटेलिजेंट। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है क्या बोलेगा, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, यू आर, इसको रिप्लेस कर देगा यू आर इंटेलिजेंट, या वी आर इंटेलिजेंट, उसी तरह बनेगा यू आर इंटेलिजेंट, वी आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट, इस तरह बनेगा। तो नाउन को ही रिप्लेस कर देगा, तो क्या कर लेगा पर नाउन। अगर नहीं लिख पाए इसको तो वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट भी कर सकते हैं इसको, जब और बताना है नाम करना मतलब अब हर की बात करते हैं, हर जो होता है उसको क्रिया बोलते हैं, यानी कुछ काम को भी क्रिया बोलते हैं, कुछ काम यानी क्रिया को बोलते हैं। इसका डिफाइंड कैसे होगा, डेफिनेशन ये क्या कहेगा, एक्शन या वर्क होगा, कोई वर्क ये डिस्क्राइब करेगा, और एक्शन या स्टेट यानी वर्क, एक्शन और वर्क, कौन सा काम हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, जैसे कोई एक्शन ले रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, पढ़ने का एक्शन ले रहा है, पढ़ाई करने का, खेलने का एक्शन ले रहा है,
क्या काम कर रहा है, खेलने का, पढ़ने का, नाचने का, गाने का, तो उसी को भर्ब बोलते हैं। भर्ब जो होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, भर्ब क्या होता है, भर्ब जैसे कोई काम करना होता है, जैसे दौड़ना होता है, जैसे रन, रन हो गया आपका भर्ब, दौड़ना हो गया, राइट लिखना हो गया, स्पीक बोलना हो गया, स्पीक हो गया, कुक हो गया, प्ले हो गया, ये सारे क्या है आपका भर्ब है, भर्ब, इसी को बाहर बोलते हैं। ये सारे कुछ बाहर है, इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए, ट्रांसलेशन का मुझसे बनता है, जैसे मैं दौड़ता हूँ, उसका ट्रांसलेशन क्या बनता आएगा, इतना बनता है, मैं दौड़ा हूँ, आई एम रन, इस तरह मैं दौड़ता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट का है, और ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो मैं दौड़ा हूँ, दौड़ता है लगा कर आई रन, इस तरह से हो गया बाहर में। I write a letter. I write a letter. मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये सब जो होता है, तो ये write जो हुआ, लिखने का काम हो रहा है ना, इसमें दौड़ने का काम हो रहा है, तो ये हमारे भर बोला, भर वगैरह यहाँ पे चूज करने के लिए बोला गया ना, तो भर हमारा ये होगा जो काम कर रहा है, जो काम करने का तरीका है वही भर बनाता है। जैसे मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आई लर्न हिंदी, तो यहाँ क्या काम हो रहा है सर, मैंने तो ये सब्जेक्ट हो गया, हिंदी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, सीखने का तो काम हो रहा है ना, लर्न आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक हिंदी क्या काम हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है वही बाहर कर आता है। वीडियो लंबा हो रहा है, 12 मिनट का हो गया है, बाहर हो गया। अब उसके बाद क्या बढ़ेंगे, नॉन परमानेंट बाहर हो गया, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या हुआ, एडवर्ब हो गया, नॉन पर नॉन बार पर एडवर्ब को क्या बोलते हैं, एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब जो होता है बार की क्रिया, क्रिया के बारे में डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द बार, एडवर्ब जो है इसका डेफिनेशन क्या होगा, डिस्क्राइब द वर्ब, यानी क्रिया के बारे में बताता है, डिस्क्राइब द वर्ब, डिस्क्राइब द वर्ब जो डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को भी, जो क्रिया विशेषण होता है, डिस्क्राइब द एडजेक्टिव एडवर्ब, एडवर्ब जो होता है वो क्या होता है, डिस्क्राइब करता है वर्ब को, डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव और एडवर्ब को। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जांपल इसका होता क्या है, जैसे क्विकली, साइलेंटली, साइलेंट नहीं होता, वेल होता है, बैडली होता है, हैवी होता है, ये सब होता है एग्जाम्पल में, इसका क्विकली बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ट्रांसलेशन देख सकते हैं, माई डॉग इट्स क्विकली, यानी बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, इसका यूज कर सकते हैं, क्या होता है, वेन ही इज हंग्री, ही इट्स वेरी हंग्री, ये ट्रांसलेशन हो गया। इसमें जो होता है घर को डिस्टर्ब कर रहा है भारत को, देखिए माई डॉग इट्स क्विकली,
माय डॉग इट्स टू ईट कैसे खाता है, जल्दी जल्दी खाता है ना, इट्स टू ईट डिस्क्राइब क्या कर रहा है, भर को बी क्या हो गया यहाँ पे, इट्स व्हेन ही इज हंग्री, ही इट्स वेरी क्विकली, जब वो भूखा रहता है तो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत फास्ट खाता है, बहुत जल्दी जल्दी खाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को यहाँ पे जो है नाउन के बारे में जो विशेषता बताता है, इज हंग्री वो हंग्री है इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है, वेरी क्विकली, ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अब आगे यहाँ पे हम लोग 5 नंबर का पढ़ेंगे, एडजेक्टिव जो क्या होते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण, जैसे एडवर्ब का बात हो रहा था तो उसमें वर्ब था, तो वर्ब था तो क्या करेगा, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, लेकिन ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करने का मतलब है कि इसलिए होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं जैसे बिग या स्मॉल या टॉल, स्मॉल टॉल किस तरह से वर्ड आएगा, शॉर्ट आएगा, इस तरह से तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसलेशन वगैरह कैसे बनाए, क्रिया विशेषण यानी डिस्क्राइब करना, नाउन पर डिस्क्राइब करेगा आई एम या स्मॉल वर्ड या शॉर्ट वर्ड लिख सकते हैं, आई एम या स्मॉल वर्ड के लिए नाउन पर डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन क्या है ये नाउन, नाउन पर डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन वर्ड क्या है, नाउन राम विजय स्मॉल बॉय, तो राम क्या है नॉट, नॉट को डिस्क्राइब कर रहे हैं बॉय भी तो है, तो नॉट को ये किसी भी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, स्मॉल क्या है डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, जैसे राम कैसे करता है, छोटा करता है, स्मॉल बॉय है, शॉर्ट बॉय है, या शॉर्ट लिख सकते हैं शॉर्ट बॉय, यहाँ पे लिख सकते हैं द हाउस इज बिग, घर जो है कैसा है बड़ा है, घर जो है बड़ा है, तो यहाँ पे नाउन क्या हुआ द हाउस, हाउस कैसा बड़ा है, तो क्रिया विशेषण हुआ ना एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। 6 नंबर पे, 6 नंबर में क्या होगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन जो होता है लिंक्स होता है, इसमें जो नाउन जो होता है लिंक्स होता है टू अनदर वर्ड, इसमें जो नाउन जो होता है लिंक होता है अनदर वर्ड, नाउन का लिंक्स होता है टू अनदर वर्ड, जो नाउन जो होता है लिंक होता है टू अनदर वर्ड से लिंक होता है, जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं टू एट हो गया, आफ्टर हो गया, टू एट आफ्टर हो गया, ऑफ हो गया, बट हो गया, ये सारे वर्ड, और इसके अलावा भी बहुत वर्ड होता है व्हेन हो गया, ये सारे वर्ड हो गया, अगर नाउन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो
वो फिल पोजिशन बनाता है। जैसे फिल पोजिशन को भी फिल इन द ब्लैंक दिया जाता है ना, दैट टू ऐड आफ्टर वन वर्ड, ऐसा वर्ड दिया जाएगा किसमें कौन सा भरा है, तो वही भरना है दैट टू ऐड आफ्टर वन वर्ड। तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं आई, जैसे एग्जाम्पल ट्रांसलेशन का आई गो टू मार्केट जो लगा कि आई गो टू स्कूल हो गया, तो इसमें जो नाउन जो है जुड़ा हुआ है ना अनदर वर्ड से, जो तो बीच में लगा हुआ है इसमें नाउन जो है अनदर वर्ड से जुड़ा हुआ है, आई गो टू स्कूल या फिर आई वेंट टू मार्केट ऑन मंडे, किसी भी दिन तो ऑन भी तो लगा हुआ है, इस तरह से यूज कर सकते हैं। बट का भी यूज कर सकते हैं, बट का यूज इस तरह कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बाय साइकिल बट आई हैव नो मनी, मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ लेकिन पैसा मेरी जरूरत पैसे नहीं, बट आई हैव नो मनी, इस तरह की पोजिशन का हो गया कि जहाँ पे टू एट आफ्टर वन बट और ऐसे ऐसे बट और भी होते हैं कुछ जुड़ा हुआ दिख जाएगा नाउन के साथ, तो प्री पोजिशन होगा। सेवन नंबर में कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो होता है ज्वाइन होता है क्लॉजेस सेंटेंस और अदर वर्ड, ज्वाइन होता है क्लॉजेस सेंटेंस और अदर वर्ड होता है, ज्वाइन होता है क्लॉजेस और सेंटेंस और अदर वर्ड, यहाँ पे और लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ज्वाइन होता क्लॉजेस जो कारक जो होता है ना, ज्वाइन होता क्लॉजेस सेंटेंस और अदर वर्ड, उसको क्या बोलते हैं कंजक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए कौन कौन सा वर्ड होता है, जैसे एंड होता है, बट होता है, व्हेन होता है और ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, तीन चार होता है एंड कुत्तों को पसंद करता हूँ, केक को भी पसंद करता हूँ, कैट्स को भी पसंद करता हूँ, कैट भी नहीं करते जाना चाहता हूँ तो, लेकिन पैसा ही नहीं है, लेकिन बट अलग होता है, कंजक्शन के लिए होता है एंड बट और व्हेन लगा हुआ अलग होता है, आप इंटरजेक्शन के लिए मतलब जो लास्ट है इंटरजेक्शन जो होता है इस तरह से होता है, ये क्या करता है शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, शॉर्ट एक्सक्लेमेशन होता है ट्रांसलेशन में क्या यूज करते हैं, ओ माई गॉड, इस तरह यूज करते हैं ट्रांसलेशन, ओ माई गॉड, हाय इस तरह से ट्रांसलेशन यूज करते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच था जिसमें से आठ पार्ट्स होते हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्री एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ये आठों टाइप्स होते हैं, अच्छे तरह से समझा दिया हूँ। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे में कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, इंटरजेक्शन या प्रीपोजिशन कौन सा नहीं समझ आया, उसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स में भी बता सकता हूँ।
तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस प्रकार के रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।